हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल अगेन आपके सामने रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। और जो आज है हम 6 क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे जो कि हमारे SCQ के क्वेश्चन है और डिपेंड करते हैं ये हमारे पास टोपोलॉजी ऑन आर एंड टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वेयर के ऊपर। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कहा था कि सर जो थ्योरी है आप टोपोलॉजी की उनको आप रहने दीजिए और आप CSIR नेट के क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। तो हम जो है थ्योरी को नहीं करेंगे, हम इनके क्वेश्चनों को स्टडी करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट 1/n साइन 1/n n बिलोंग टू नेचुरल नंबर हैज। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर जो मुझे ए एन गिवन है, यहाँ पे जो मेरा ए एन है दिस इज 1/n साइन 1/n वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मुझे लिमिट पॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव लगाएंगे तो क्या आएगा, ये 1/∞ यानी कि 0 इंटू में साइन इन्फिनिटिव। और साइन इन्फिनिटिव क्या होता है, फाइनाइट नंबर बिटवीन 1 एंड -1। तो दिस इज 0 इंटू फाइनाइट नंबर बिटवीन 1 एंड -1। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 0। इट मीन्स जो 0 है वो इसका क्या हो जाएगा, एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू आंसर बात करूं, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये कहता है 1 लिमिट पॉइंट और वो 0 होगा। सेकंड ऑप्शन कहता है 1 लिमिट पॉइंट और वो 1 होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है 1 लिमिट पॉइंट एंड -1 होगा। और फोर्थ कहता है 3 लिमिट पॉइंट होंगे, -1, 0 और 1। तो अगर अकॉर्डिंग टू आंसर बात करें तो क्या कहेंगे, इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दिस इज करेक्ट, ये हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, एक सेट दे दिया गया है हमें 1/m + 1/n वेहर m, n बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। तो आपको लिमिट पॉइंट बताने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 लिमिट पॉइंट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 2 लिमिट पॉइंट होंगे, ऑप्शन नंबर 3 फाइनाइट मैनी लिमिट पॉइंट होंगे, ऑप्शन नंबर 4 इनफाइनाइट मैनी लिमिट पॉइंट होंगे। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। अगर हम अपने ए के बारे में देखें तो हमें जो ए गिवन है दिस इज माय 1/m + 1/n दिस इज माय एम। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालने हैं, लिमिट पॉइंट निकालने हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, m को ले लिया 1 और यहाँ लिमिट लगाई तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 लिमिट पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पर m को ले लिया 2 तो ये हो गया 1/2 + 1/n लिमिट लगाई तो कितना आंसर आ गया, 1/2। सिमिलरली ये ले लिया 1/3 + 1/n लिमिट लगाई तो कितना आंसर आ गया, 1/3। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 1/, अगर मैं एन एम लूँ प्लस 1/n तो यहाँ लिमिट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/m। यानी जो लिमिट पॉइंट आएंगे ये हमारे पास ही आएंगे 1/m। और दोनों पे अगर इन्फिनिटिव कर दूंगा 1/∞ 0 ये भी 0 प्लस यूनियन सिंगलटन 0 वेहर m कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। यानी अगर मैं इसके लिमिट पॉइंट की बात करूं, 1 भी बनेगा, 1/2 भी बनेगा, 1/3 भी, 1/4 भी, 1/5 भी, 1/6 भी। तो अगर इसके लिमिट पॉइंट मैं चेक करूं तो कितने हैं इसके पास, इनफाइनाइट मैनी लिमिट पॉइंट है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू आंसर बात करूं तो देखिए अकॉर्डिंग टू आंसर जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है इसके पास एक लिमिट पॉइंट है, रॉन्ग। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, m को ले लेते हैं 1
और लिमिट लगाते हैं तो हमारे, क्योंकि हम यहाँ एम और एन की चॉइस है पुट कर सकते हैं, तो इसके पास कितने लिमिट पॉइंट है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट है। यानी अगर मैं ऑप्शन पे आऊँ तो जो मेरा डी ऑप्शन है, दिस इज माई करेक्ट ऑप्शन, डी इज करेक्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर रॉन्ग ऑप्शन। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये दिसंबर 2015 में पूछा गया था और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है लेट ए बी ए क्लोज सबसेट ऑफ आर, ए क्या लेना है आपको, क्लोज सबसेट लेना। पहली बात, ए क्या नहीं लेना आपको, फाई नहीं लेना, और ए क्या नहीं लेना, आर नहीं लेना। ओके, ना तो आप फाई ले सकते हो और ना ही आप आर ले सकते हो, तो आपको ये बताना है तो ए के बारे में ए क्या होगा। देखिए अगर क्लोज सेट लेना है, अगर मैं ए को क्लोज इंटरवल ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं ए को क्लोज इंटरवल ए टू बी। देखिए अगर मैं ए के बारे में क्या कहा गया है मुझे, कि मुझे ए को ना तो मैं फाई ले सकता, यानी कि ए पहली बात तो है क्लोज, दूसरी बात ए नॉट इक्वल टू फाई और ए नॉट इक्वल टू आर, ना तो ये फाई है और ना ही ये आर है। ओके, सपोज कीजिए ए को मैं ले लेता हूं टू से लेके थ्री का क्लोज इंटरवल। अगर ए को मैं टू से लेके थ्री का क्लोज इंटरवल ले लेता हूं तो जो ए है ये क्या है, अनकाउंटेबल, ये क्या है हमारे पास, अनकाउंटेबल है। इट मींस अगर मैं ऑप्शन नंबर सेकंड पे आता हूं, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है मुझे ये कहता है कि जो ए होगा, जो बी है वो काउंटेबल होगा, जबकि अगर मैं क्या ले लेता हूँ इसको, क्लोज इंटरवल ले लेता हूँ दो से तीन, तो ये अनकाउंटेबल, मींस जो बी ऑप्शन है ये हमारा रॉन्ग है। देखिए नेक्स्ट, सपोज कीजिए अगर ए को मैं क्या ले लेता हूँ, नेचुरल नंबर का सेट ले लेता हूँ। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है हम ये सब जानते हैं, अगर इसका डैश निकालेंगे तो हमारे पास फाई आता है, और इंटीरियर निकालते हैं तो फाई आता है, और कोई भी सेट क्लोज होता है आर के ऊपर, अगर उसका ए डैश निकाला जाए वो आर के अंदर कंटेंड हो जाए, और इसका ए डैश क्योंकि हमारे पास फाई आएगा और फाई तो आर में कंटेंड होता है, क्योंकि इसका ए डैश जो आएगा वो फाई आएगा, और फाई तो क्या है, कंटेंड है ए में, तो इट मीन्स ये सेट क्या है, क्लोज है, बट क्या नहीं है, ये बाउंडेड नहीं है। इसलिए ये सेट क्लोज तो है बट क्या नहीं है, बाउंडेड नहीं है। इसलिए अगर मैं थर्ड ऑप्शन पे आऊँ, थर्ड ऑप्शन कहता है कि जो ए है वो कॉम्पैक्ट होगा, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास ये क्लोज तो है बट ये बाउंडेड नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आऊँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि ए का डैश जो है ए के इंटीरियर पे आएगा। देखिए ये सेट कैसा है, क्लोज, और ये सेट हमेशा क्या होता है, ओपन, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इट मीन्स दूसरे शब्दों में ये कहूं, ए के बारे में क्या कहा गया है मुझे, ए जो है वो क्लोज है, और हम ये जानते हैं इस दुनिया में सिर्फ दो ही, टोपोलॉजी में आर के ऊपर दो ही ऐसे सेट है जो क्लोज भी है और ओपन भी, एक तो फाई और एक आर, और सामने वाले ने ये बोला है कि जो ए है ना तो इक्वल है फाई के, नॉट इक्वल आएगा ये, ना तो ए इक्वल फाई के और ना ही ए इक्वल है आर के, मतलब इन दोनों को छोड़ दो, अगर इन दोनों को आप छोड़ दोगे तो ए क्या नहीं बनेगा, ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि ए ओपन हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, क्यों, फाई और आर दोनों के दोनों ओपन भी है और क्लोज भी है, बट सामने वाले ने बोला है कि ए नॉट इक्वल टू फाई और नॉट इक्वल टू आर, तो इट मीन्स डी ऑप्शन पे आऊं तो मुझे 100% पता है कि ये ओपन नहीं हो सकता। इट मीन्स इसका जो डी ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमसे ये जून 2013 में पूछा गया था। तो देखिए ये टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर पे है, ए बी सी डी और ई, ये मुझे कुछ सेट दे दिए गए हैं और आपको ये बताना है इनमें से कौन कौन सा कॉम्पैक्ट है और कौन कौन सा कॉम्पैक्ट नहीं है। तो देखिए हम स्टडी करते हैं,
देखिए कॉम्पैक्ट की अगर मैं डेफिनेशन पे आऊं तो कॉम्पैक्ट होता है क्लोज प्लस बाउंडेड। तो इसको देखिए हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बताऊं, ए इन्होंने मुझे गिवन है, ए में आपको लेने हैं एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर स्केयर सच दैट एक्स स्केयर बाय ए का स्केयर प्लस वाई का स्केयर बाय बी का स्केयर इज इक्वल टू 1 वेयर ए नॉट इक्वल टू बी, ये बोला गया है आपको। दिस इज माई ए सेट। अगर ये मेरा ए सेट है तो देखिए अगर देखा जाए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मेरा पैरा, ये मेरा रिप्रेजेंट करता है इलिप्स को। तो अगर मैं बनाऊं डायग्राम, मैंने क्या बताया था, जो आपका पोर्शन है उसको तो आपको लेना है ब्लू। देखिए आप क्या कीजिए, पैराबोला बना लीजिए, सॉरी इलिप्स, दिस इज माय इलिप्स। अगर मैं बात करूं ये जो बाउंड्री, ये जो ब्लैक पोर्शन है ये तो है मेरा, और जो बाकी जो पोर्शन बच गया वो क्या है, हमारा नहीं है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, एक तो निकालना है ए का इंटीरियर और ये निकालना है आपको ए डैश ड्राइव्ड सेट। एक इंटीरियर में क्या करना है आपको, एक ऐसा सर्कल बना, एक ऐसी डिस्क बनानी है जिसके अंदर पूरा का पूरा आपका ब्लू पोर्शन आ जाए। अगर कंप्लीट ब्लू पोर्शन आ जाए तो आपका इंटीरियर आएगा, अदरवाइज फाइव। देखिए अगर मैं कोई भी लेता हूँ तो कोई भी बनाऊंगा तो वहाँ पूरा का पूरा ब्लू पोर्शन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बच गया हमारे पास, या यहाँ लेता हूँ तो यहाँ भी नहीं आएगा, तो इट मीन्स इसका आंसर आएगा फाइव। और ए डैश में क्या करना है आपको, इंटरवल बनाना है, यानी कि आपको सर्कल बनाना है और उस सर्कल के अंदर कम से कम दो ब्लू पॉइंट होने चाहिए। देखिए अगर मैं इससे बाहर का लूंगा पॉइंट तो इसके अंदर तो एक भी ब्लू नहीं आया। इट मीन्स जब जब मैं बाउंड्री का पॉइंट लूंगा तो हर बार कम से कम दो पॉइंट तो ब्लू आएंगे ही आएंगे, और वो सिर्फ तभी होएगा जब मैं बाउंड्री का पॉइंट लूंगा। इट मीन्स इसकी बाउंड्री का हर एक पॉइंट जो है वो क्या बनेगा, हमारे पास लिमिट पॉइंट बनेगा। तो इट मीन्स कंप्लीट बाउंड्री आ जाएगी, और इस बाउंड्री का नाम क्या है, एलिप्स। तो यहां पर ए का डैश जो करने पे है क्या आ गया, वापिस ए। ओके मुझे चेक करना है क्लोज प्लस बाउंडेड, वो होता है कॉम्पैक्ट। क्या ये क्लोज है, क्लोज तब कहा जाता है जब ए का डैश कंटेंट हो जाए ए में, तो कहेंगे हाँ ये क्लोज है। क्या ये बाउंडेड है, हाँ ये बाउंडेड भी है क्योंकि ये इलिप्स है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो ए है, ये हमारा क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। इट मीन्स ये हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट है। देखिए सेकंड के बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड में मुझे ये बोल दिया गया है लेस देन इक्वल टू 1। अब की बार आपको क्या करना है, जो इलिप्स है इलिप्स की बाउंड्री भी आपकी और बाउंड्री के अंदर का पोर्शन भी आपका, ये है। अगर बाउंड्री भी हमारी है और बाउंड्री के अंदर का पोर्शन भी हमारा है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का इंटीरियर निकालते हैं। ए का इंटीरियर निकालेंगे तो यहां से बाउंड्री हट जाएगी, क्योंकि ए इंटीरियर हमेशा ओपन सेट होता है, यहाँ बाउंड्री नहीं आएगी। तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये एक्स का स्केयर बाय ए का स्केयर प्लस वाई का स्केयर बाय बी का स्केयर लेस देन 1, और डैश निकालेंगे तो बाउंड्री और आ जाएगी, मतलब कि ए ए डैश जो है वो इक्वल आ गया किसके, ए के। तो ये क्लोज हो गया, क्योंकि क्लोज की क्या डेफिनेशन थी, ए डैश कंटेंट होता हो ए में, या तो कंटेंट या इक्वल। तो ये सेट क्या हो गया, क्लोज, और साथ के साथ ये क्या भी है, बाउंडेड भी है। तो इट मीन्स जो ये बी है ये भी हमारा क्या हो चुका, ये हो चुका कॉम्पैक्ट, क्लोज प्लस बाउंडेड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मुझे ये कहता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए ये लाइन दे दी गई है मुझे, सपोज कीजिए मैं एक्स को लेता हूँ 1, वाई सॉरी ए को लेता हूँ मैं 1, बी को लेता हूँ मैं 1, तो ये जो मेरी लाइन है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर इसको मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ये क्या होगी, ये मेरे पास लाइन आएगी, और कैसे आएगी ये मेरे पास लाइन,
दिस इज माई लाइन, ये लाइन आएगी और क्लियरली या जो लाइन है ये अनबाउंडेड है, क्योंकि ये जो लाइन है आगे बढ़ती जाएगी और सेट जो है कॉम्पैक्ट क्या होता है, क्लोज प्लस बाउंडेड। हाँ ये क्लोज तो है क्योंकि हर एक जो कर्व होता है, कर्व हमेशा क्या होता है हमारे पास क्लोज होता है। दिस इज माई क्लोज, क्यों? क्योंकि जब यहां पर तुम ए का डैश निकालोगे तो वापिस ए आएगा और ए का डैश ए के अंदर कंटेंट हो गया तो ये क्लोज है, बट क्या नहीं है, ये बाउंडेड नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, दिस इज नॉट ए कॉम्पैक्ट। तो सी ऑप्शन हमारा कॉम्पैक्ट नहीं आएगा। तो डी देखिए, अगर डी पे मैं आऊं, डी मुझे गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अगर ये देखा जाए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है और हम ये जानते हैं जो पैराबोला होता है वो हमारे पास अनबाउंडेड होता है, क्योंकि अगर उसकी शेप की अगर हम बात करें, देखिए अगर हमारा जो पोर्शन है उस, अगर मैं बात करूं पैराबोला की, ये है जैसे ये चलते है हमारे पास जो पैराबोला की जो शेप होती है हमारे पास, ये तो खैर वन से चलेगा बट जो भी हमारा पैराबोला आएगा उसके अंदर ये पोर्शन जाएगा, ये जाने का मतलब वो जो पैराबोला होगा हमारे पास वो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। क्योंकि अगर यहाँ देखो, देखो ये भी क्या एक कर्व है, कर्व मीन्स ये क्लोज तो है बट ये क्या नहीं है, बाउंडेड नहीं है, और बाउंडेड नहीं है इसलिए हम क्या कहेंगे, ये कॉम्पैक्ट नहीं है। तो डी ऑप्शन भी क्या कहेंगे, ये कॉम्पैक्ट नहीं है। फिफ्थ अगला देखिए, नेक्स्ट x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इज इक्वल टू 1। देखिए अगर हम इसके शेप के ऊपर आए, इसके डायग्राम के ऊपर आए, तो जो इसका डायग्राम आएगा हमारे पास इस शेप का होगा, यानी कि ये जो लाइन है हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी और क्लियरली ये भी एक कर्व है और कर्व है तो ये भी क्या है, क्लोज तो है बट क्या नहीं है, ये बाउंडेड नहीं है, और बाउंडेड नहीं है इसलिए क्या नहीं है, ये कॉम्पैक्ट नहीं है। अगर मैं आंसर के अकॉर्डिंग बात करूं तो देखिए आंसर देखते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट था ये ट्रू है क्योंकि ये क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। ऑप्शन नंबर सेकंड था, ये क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। सी डी और ई, ये क्लोज तो है बट क्या नहीं है, बाउंडेड नहीं है। तो अगर मैं आंसर के अकॉर्डिंग बात करूं, आंसर कहता है सी और डी तो कॉम्पैक्ट है, ए ई और बी नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड कहता है ए और बी तो कॉम्पैक्ट है, सी डी और ई नहीं है। तो इट मींस जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ये क्या है, करेक्ट है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, स्टडी करते क्या कहता है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन ये हमारा जून 2015 के अंदर पूछा गया था। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन आर कॉम्पैक्ट। अब की बार जो क्वेश्चन चला हुआ है वो टोपोलॉजी है, आर एन पे बात चलने लग रही है। तो देखिए आर एन का सेम बिहेव रहेगा हमारा यहाँ जो आर टू का है, तो हम यहाँ पर आर टू के ऊपर चेक कर लेते हैं और ये चेक कर लेते हैं, अगर R2 पे कॉम्पैक्ट है तो ये Rn पे कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला A है, ये क्या कहता है x1 x2 up to xn जहां पे xi का मोड लेस देन 1। तो देखिए करते हैं इसको स्टडी। तो देखिए सबसे पहले मैं A बनाता हूं और A जो है यहाँ पे मुझे गिवन है x1 x2, मैं टू टप्पल पे वर्क करता हूँ सच दैट xi का जो मोड है लेस देन 1, यानी कि x1 का भी मोड 1 से छोटा और x2 का भी मोड 1 से छोटा। अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 का मोड 1 से छोटा और x2 का भी मोड 1 से छोटा। इट मीन्स देखिए ड्रॉ करते हैं इसको, दिस इज माई एक्स वन, दिस इज एक्स टू। एक्स वन का मोड एक से छोटा मतलब जो एक्स वन है वो वन और माइनस वन के बीच में लाई करता है, ये वन ये माइनस वन इनके बीच का पोर्शन, यानी कि ये हो जाएगा। एक्स टू एक से छोटा, ये भी क्या वन और माइनस वन के बीच का,
तो अगर मैं बात करूं तो ये पोर्शन मेरा है, दिस इज माइनस वन वन, दिस इज माइनस वन और ये वन। अगर देखा जाए तो इसकी जो बाउंड्री है मेरी, बाउंड्री मेरी नहीं है क्योंकि ये लेस देन है, और बाउंड्री नहीं है तो ये सेट क्या नहीं है, क्लोज नहीं है। और देखिए ये बाउंडेड तो है बट क्या नहीं है, क्लोज नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है हमारा, कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉम्पैक्ट क्या होता है, क्लोज प्लस बाउंडेड। तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड पे आता हूँ, देखिए सेकंड में कहता है एक्स वन एक्स टू सच दैट एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। देखिए एन टपल पे काम चल रहा है, मैंने इसको टू टपल पे चेंज कर लिया है, वहाँ एक्स वन एक्स टू एक्स एन था, यहाँ मैंने एक्स वन प्लस एक्स टू कर लिया है। अगर इसको हम चेक करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से होके जाएगी, यहाँ से, दिस इज माई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। और ये जो लाइन है मेरे पास क्लियरली साफ दिखाई दे रही है, ये कैसी है, अनबाउंडेड है, क्लोज तो है ये बट क्या नहीं है, बाउंडेड नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है हमारे पास, कॉम्पैक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए थर्ड में ये कहता है आपको एक्स वन एक्स टू सच दैट एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स वन भी जीरो से बड़ा, एक्स टू भी जीरो से बड़ा। अगर मैं इसको चेक करूं तो इट मीन्स जो आपका पोर्शन है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका कंप्लीट, ये आपका है फर्स्ट, आपका ये आपका पोर्शन नहीं है, ये आपका नहीं है। और क्लियरली ये जो पोर्शन है यहाँ पे कितना भी बढ़ सकता है, इसलिए पोर्शन कैसा है, अनबाउंडेड है, और अनबाउंडेड है इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है हमारा ये भी क्या है, रॉन्ग है। फोर्थ पे देखिए, फोर्थ पे कहता है एक्स वन एक्स टू सच दैट एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन इक्वल टू टू रेस टू पावर आई, आई गोइंग फ्रॉम वन टू टू। अगर देखिए आई को अगर मैं वन रखता हूँ तो एक्स वन की कंडीशन आ गई, एक्स वन क्या है, एक से तो बड़ा है, दो से छोटा है। अगर एक्स टू की बात करूँ तो ये क्या है, एक से तो बड़ा है और चार से छोटा है, तो क्लियरली ये भी क्या है, क्लोज है, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी आ गई, और ये भी क्या है, क्लोज है, और क्या भी है साथ की साथ, बाउंडेड भी है। तो ये क्या हो चुका, क्लोज भी हो गया और बाउंडेड भी हो गया, और क्लोज प्लस बाउंडेड क्या होता है, कॉम्पैक्ट। अगर मैं आंसर पे आऊं तो देखें आंसर के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये हमारा क्या है, करेक्ट है। तो आपको भी क्या करना है, जब कभी भी आर एन के ऊपर बात आ जाए टप्पल में और कॉम्पैक्ट चेक करना हो तो उसको आर टू पे चेक कर लीजिए, आर टू पे जो उसका बिहेव रहेगा वही उसका बिहेव किस पे रहेगा, आर एन टप्पल पे रहेगा। एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है जून 2015 में पूछा गया था, और क्वेश्चन ये है लेट फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सी एन बी द ओपन डिस्क इन आर की पावर टू विद सेंटर एट पॉइंट एन जीरो एंड रेडियस इज इक्वल टू एन, यानी सेंटर तो कितना है एन जीरो और रेडियस कितनी है एन है, तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, सी की, सी क्या है, सी एन जितने भी है उन सब का यूनियन। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या है ये, सी वन क्या है, सी टू क्या है, सी थ्री क्या है, सी फोर क्या है। देखिए ये कहता है जो C1 है ये क्या है, एक ओपन डिस्क बनानी है आपको, क्या बनानी है, ओपन डिस्क, जहां पे सेंटर तो कितना है 1,0 और रेडियस कितनी लेनी है 1। C2 क्या है, ओपन डिस्क, सेंटर तो 2,0 और रेडियस कितनी है 2। C3 क्या है, ओपन डिस्क, सेंटर कितना 3,0 रेडियस कितनी 3। सिमिलरली C4 क्या है, ओपन डिस्क, सेंटर क्या 4,0 रेडियस कितनी है 4। यानी कि जितना आप सेंटर ले रहे हो ये एक्स एक्सिस पे उतनी ही आपको रेडियस लेनी है, और कहता है इन सब का यूनियन कर दो, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सन CN, और इसका नाम दे दिया कैपिटल C।
कहता है ये बताइए जो कैपिटल सी है वो क्या होगा। तो देखिए इसको हम ड्रॉ करते हैं, इस फिगर को देखिए। अगर हम बात करें सी वन की, तो ये हमारे पास है यूनिट डिस्क। सबसे पहले हम बनाते हैं सी वन, 1 0, और रेडियस कितनी लेनी है आपको, 1। तो ये जो आएगी आपकी, आपको कहाँ खड़ा होना है, 1 पे खड़े होके 1 यूनिट की सर्कल खींचना है मुझे। दिस इज माय सी वन। अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ सी टू। सी टू क्या है, 2 0, और रेडियस भी कितनी लेनी है, 2। तो आप क्या करोगे, अब आप 2 पे खड़े होके देखिए ये क्या है, 1, 2 कहाँ आएगा, यहाँ 2 पे खड़े होके 2 रेडियस का जब सर्कल खींचोगे तो ये कैसे जाएगा, ये हमारा 4 तक जाएगा, ये हमारा हो गया 4। सिमिलरली अब आगे हम क्या करेंगे, 3 पे खड़े होके 3 का खींचेंगे तो फिर से ये आएगा, 4 पे खड़े होके करेंगे तो फिर ये आएगा, 5 पे खड़े होके करेंगे तो ये आएगा। इट मीन्स अगर मैं बात करूं, मैं ये कवर कर लूंगा कंप्लीट, और यानी ये तो कंप्लीट कवर हो जाएगा मेरा, और ये भी क्या होगा, कंप्लीट कवर हो जाएगा। अगर मैं चेक करूं तो इसके अंदर x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0, और इसके अंदर भी x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं चेक करूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या रहेगा, कि जो x की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0। तो देखिए अगर मैं ऑप्शन पे आऊं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये कहता है एक्स कोमा वाई सच दैट वाई का मोड जो है लेस देन एक्स रहेगा। तो मैं कहूंगा अगर इसको आप ड्रॉ, अगर फोर्थ ऑप्शन को देखिए, फोर्थ ऑप्शन ये कहता है वो सारे के एक्स जो 0 से बड़े हैं वो इसके अंदर आएंगे। तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि इसका भी हमने डायग्राम बनाया है, और ये हमारे पास क्या आएगा, बाउंड्री नहीं आएगी, पहला और फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, और पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, और वाई पे हमारी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ दोनों के इसके अंदर वाई क्या पॉजिटिव भी आ चुका और नेगेटिव भी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फ्रेंड ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।